धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि व्यक्ति अपनी किस्मत को बदलना चाहता है तो उसे कुछ उपाय करने होते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि व्यक्ति अपने तकिए के नीचे मोर पंख को रख कर सोता है तो रातों रात उसकी किस्मत के सितारे बदल जाते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति को धन दौलत सुख समृद्धि के साथ साथ मन में पैदा होने वाले नकारात्मक भाव भी खत्म हो जाते हैं। इसकी जानकारी करने के लिए हमने ज्योतिष आचार्य श्रीधर शर्मा शास्त्री से बातचीत की। वैसे तो विद्वान लोग अनेक प्रकार की बातें बतलाते हैं, परंतु जो चीज़ सबसे अच्छी है कि तकिए के नीचे रखने क्या चीज़ रखने से एक सबसे बड़ा लाभ होता है और इंसान को सभी मनुष्यों को उसका लाभ मिलता है, तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे श्रेष्ठ जो हमारे मोर मुकुट, जो भगवान कृष्ण जी का हमारा एक जिस पर मुकुट पर धारण करते हैं मोर पंख जो होता है, उसको तकिए के नीचे रखने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और मन में भय उत्पन्न नहीं होता, शरीर स्वस्थ रहता है, साथ ही अनेक प्रकार की व्याधियां और बीमारियां दूर होती हैं और जो है पॉजिटिव ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। और मोर पंख जो है, जैसा कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जी का मुकुट है, उसका प्रभाव होने कारण हमारे संपूर्ण घर में इतनी ऊर्जा आती है और मोर पंख को प्रत्येक व्यक्ति को रखना चाहिए और सोते समय अपने तकिए के नीचे रखें, जिससे कि हमें धन धान्य की प्राप्ति हो और जीवन में प्रत्येक प्रकार का सुख मिल सके। क्योंकि जो मोर होता है वह हम अगर नाचता हुआ देख रहे हैं तो उसको देखने से मन में आह्लाद अर्थात प्रसन्नता प्राप्त होती है। कुंडली के अंदर जो है, जो हमारी कोई भी किसी कुंडली होती है, जन्म लग्न जो होता है हमारा, अर्थात सारे नौ ग्रह होते हैं, तो कुंडली के हिसाब से यदि हम मोर पंख को रखते हैं, जितने भी हमारे ग्रह हैं उन पर भी एक सार्थक नेगेटिव के बजाय अर्थात पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है और हमें धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। इसके अतिरिक्त जो है, यदि हम मोर पंख को रखते हैं तो घर में भी सुख शांति मिलेगी और आसपास का जो वातावरण बाहर का भी वह भी सकारात्मक होगा और जीवन में एक हमारे सुख समृद्धि एवं मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। इसीलिए हमें मोर पंख को यदि हम सिर के नीचे रख रहे हैं, तकिए के नीचे रख रहे हैं, तो प्रत्येक प्रकार से हमें लाभ प्राप्त होगा। जो व्यक्ति अपने तकिए के नीचे मोर पंख रखकर सोता है उसके घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण का वास रहता है। लोकल 18 के लिए ओम प्रयास, हरिद्वार।